नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। महाराष्ट्र में नवगठित भाजपा व शिंदे की सरकार ईडी की सरकार है, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही का। महाराष्ट्र में पहले विपक्ष हमेशा कहा करता था कि महाविकास आघाड़ी सरकार तीन पहियों वाली सरकार है, मगर अब काफी जद्दोजहद के बाद दो पहियों वाली सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल है। हिंद उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने कहा कि शिवसेना के जो विधायक बागी हुए हैं उनको ईडी का डर था, इसलिए अलग होकर उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि इतने भारी संकट में भी उनकी पार्टी शिवसेना के साथ खड़ी थी और आगे भी हमेशा खड़ी रहेंगी। दो इंजन की सरकार आ गई है, तीन इंजन की सरकार को गिराने के बाद, तो ये क्यों और कैसे हो गया? देखिए, जो आप तीन इंजन कह रहे हैं, हम तीन इंजन नहीं थे। हम जैसे ऑटो रिक्शा तीन पहिए का होता है, तो ये तीन दलों की सरकार थी। इंजन इसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बीच में ड्राइवर के रूप में हमारे आदरणीय शरदचंद्र जी पवार साहब और ये लोग थे। तो ये तो जैसे बनी थी वैसे चली गई, आकस्मिक बनी थी आकस्मिक चली गई। भाई, भाजपा के दिए हुए वचन विरोधी, यानी जो वचन दिए निभाए नहीं, तो सरकार हमारी बन गई, शिवसेना बाहर हुई। आज शिवसेना से कुछ लोग बाहर हुए तो सरकार उनकी बन गई। तो ये तो वही है, आपको पता है कि वक्त आता है तो कभी नाव गाड़ी पर रहती है और कभी गाड़ी नाव पर रहती है। तो ये तो उनके यहाँ का है, हम तो अपने वचन पर अड़े रहे और उनके साथ हमेशा खड़े रहे। जब से आपकी सरकार बनी है, विपक्ष उसे गिराने की तैयारी कर रहा था, तो ये कहीं बहुत पुराने समय की चाल तो नहीं है? देखिए, चाल तो हर दुश्मन चलता है अपने प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए। ये सरकार के कार्य से भाजपा की जमीन खत्म हो रही थी, तो वो तो लगे थे एनकेन परकेन। आपको एक बात बताऊं, आपको भी हंसी आएगी, ये सरकार ईडी की है। ये सरकार किसकी है? ईडी की है। ई फार एकनाथ, डी फार देवेंद्र, और ये एक ईडी है जिनकी नोटिस से ये विधायक घबरा करके भागे थे। तो ये सरकार ईडी ने बनाई है, ईडी की बनी है, और ईडी जब तक चाहेगी तब तक चलेगी। क्या ये कह सकते हैं कि उद्धव पवार जी का नेतृत्व विफल रहा? नहीं, हमारा नेतृत्व विफल नहीं रहा, वो अपने प्रलोभन और दबाव की राजनीति में सफल रहे, हम विफल नहीं रहे। और ये सफल इसलिए हुए कि महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के अंदर अगर बागी विधायक होते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन ये तो कहीं सूरत में अपनी सूरत देखते रहे और कभी आसाम में चले गए, तो हम लोग कर क्या सकते थे। लगता है सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेंगी? देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं है कि हम बताएं करेगी, लेकिन जिस दिन गठन हो रहा था उसी दिन एक खुश एक उदास था, एक प्रफुल्लित था और एक के चेहरे जो है मुरझाए हुए थे। बड़ी ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में एक साथ आए हुए थे, तो हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस दिन के चेहरे बता रहे हैं कि चेहरे बड़े जल्दी धूमिल हो जाएंगे। एक सीएम का पूर्व डीसीएम बन जाना, क्या इसके पीछे भी कोई गेम है? देखिए, सीएम का डीसीएम बन जाना या सीएम का मंत्री बन जाना, ये उसके विवेक पर आधारित है, लेकिन सीएम से डीसीएम बनने को लोग पद औन्नति मानते हैं। यह मानते हैं कि इस आदमी का को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे दबाने का काम किया गया। तो देखने वाले जिस नज़र से देखें, समझने की नहीं, ये उनकी अपनी नज़र है, लेकिन डिमोशन तो है, इसमें कोई इनकार नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही का मानना है कि संवैधानिक तौर पर शिवसेना पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ही रहेंगी, चाहे उनके विधायक किसी भी खेमे में चले जाए। असली शिवसेना का हकदार कौन है?
संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल में शिवसेना पार्टी है, शिवसेना सरकार नहीं है। सारे विधायक भी अगर निकल जाएंगे तो शिवसेना के संविधान के अनुकूल कार्यकारिणी के द्वारा पास किए गए नियम के आधार पर पार्टी रहेगी। और शिवसेना के संविधान को हम जानते नहीं है, लेकिन शिवसेना अगर प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हैं तो पार्टी उद्धव ठाकरे के पास रहेगी, विधायक चाहे किसी के खुद खेमे में चले जाए। ये विधानमंडल के अंदर विधायक का अस्तित्व है और विधानमंडल से बाहर पार्टी के संविधान में लिखी हुई चीज़ों के आधार पर है। और ये लड़ाई चुनाव आयोग में जाएगा तो चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन कभी भी बाहर निकलने वाले के साथ पार्टी नहीं जाती है। पार्टी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी पर आधारित होती है। पवार साहब की रणनीति क्या रहेंगी अब? पवार साहब की रणनीति तो कभी भी हमेशा जो है महाराष्ट्र के विकास के साथ रही है और महाराष्ट्र के विकास के साथ रहेगी। उदयपुर व अमरावती की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना देश हित व लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी से शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। उदयपुर जैसे घटनाएं हो रही है, इस पर रोक लगना चाहिए, आपका क्या मत है? अरे हमेशा रोक लगनी चाहिए, किसी भी तरह से इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़े है भाई। मैं किसी भी हाल में इस बातों का समर्थक नहीं हूँ, निरपराध लोगों का ये करना, कानून को हाथ में लेना यह किसी भी तरह से योग्य नहीं है। और कानून लेने वालों के साथ हम नहीं हैं, हम उनके साथ हैं जो कानून में विश्वास रखते हैं, देश में विकास चाहते हैं और देश में अमन और शांति चाहते हैं। देखिए अमरावती की घटना 20/21 को हुई थी, 21 को, और उसमें वहाँ के पुलिस विभाग जाँच कर रही है। अखबारों में आया लूटपाट के उद्देश्य से किया गया, कल से ये बात आ रही है कि नहीं ये भी निपुर शर्मा के समर्थन में दिए गए घटनाओं के कारण आया। मेरा ये मानना है कि हमारे जो आरोप लगाने वाली पार्टी है उसका तो काम ही है किसी भी झगड़े में हिंदू मुसलमान देखना। मेरा अपना कहना है कि जो चीज़ है सरकारी मशीनरी को सही ढंग से जांच करने देना चाहिए और जांच जिस दिशा में जा रही है उसमें किसी किस्म का भटकाव नहीं करना चाहिए। दिशा अगर सच में इससे लिंक जुड़े हुए हैं तो वो कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का जांच अधिकारी पर दिशा भ्रमित करके और जांच को जो है दूसरे दिशा में ले जाना ये ठीक नहीं है। मेरा अपना मानना है कि सत्य को सामने आने देना चाहिए। बेचारे की हत्या तो हो गई, चाहे लूटपाट के कारण हुई हो या इसके कारण हुआ हो, वो तो दुनिया से चला गया, उसका परिवार जो है उसके बगैर है, हम उसके परिवार के साथ हैं, उसके दुख में उसके परिवार के बराबर के शामिल हैं। लेकिन जांच को सही ढंग से करके मुजरिम को सजा दिलाने का काम करना चाहिए, जांच को भटकाने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकारी अधिकारी को संवैधानिक अधिकारों के बीच अपनी विवेचना से जांच करने का काम करना चाहिए और करते रहे। और हम भी ये नहीं बता सकते कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई की जांच होनी आवश्यक है। हर झगड़े में हिंदू मुसलमान ले जाना न राष्ट्र के हित में है, न देश के हित में है, बल्कि ये किसी पार्टी के हित में हो सकती है, लेकिन पार्टी को चाहिए कि हमारा हित नहीं, राष्ट्र हित जिसमें सम्मिलित हो उस हित को देख करके हर कार्य को करने का काम करना चाहिए। और हम साफ ये कहते हैं लोगों से कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में हिंदू चाहे वो मुसलमान बने, इंसान को लाजिम है कि वो इंसान बने। प्रेम की बात को फैलाइए, प्रेम मानव के अंदर उगाइए, मानव को मानव बनाइए, उत्पात आतंक हिंसा को भारत की धरती से मिटाइए, क्योंकि ये किसी के लिए लाभप्रद नहीं है, ये किसी के लिए फ़ायदामंद नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच के भाईचारे को मिटाना चाहते हैं। हम सारे भारत के नागरिकों से, विशेषकर अल्पसंख्यकों से सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि हम आदमी हैं, आदमी से प्यार करें। और ये बात सच है कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। हर आदमी को हर आदमी के साथ प्यार करने का काम करना चाहिए।